नमस्कार, अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार दोपहर तक ठीक हुए 2 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस हुए 6। विमेंस वीक कार्यक्रम हुए संपन्न, समापन के दिन पहुंची मिस इंडिया ग्रैंड मनिका शोकल। पीएससी स्तर पर लगाया जाएगा कोरोना का टीका, कहा सिविल सर्जन ने। बिजली का खंभा टूटा, गिरा मकान में, निगम द्वारा 20 दिन पहले ही लगाया गया था खंभा। सेठ भगीरथ मल बुआनी वाला की मनाई गई 27वीं पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 2 कोरोना पॉजिटिव केसेस के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस 6 रह गई है। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि जिले में कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लोगों को लगाई जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी में 6,351 लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद इनमें से 6,200 लोग ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, जबकि कोई नया मामला सामने नहीं आया। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 6 हो गई है, जबकि कुल 6,351 में से 6,200 ठीक हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने सभी लोगों से अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन से न डरते हुए सहयोग की अपील की है। शुक्रवार को भिवानी के बाल भवन में वुमेन वीक कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मिस इंडिया ग्रैंड मोनिका शोकंद ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्वयं सहायता ग्रुप से संबंधित महिलाओं ने अनेक प्रकार के व्यंजनों की स्टॉल्स लगाई। वहीं उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सहित अनेक जगह का निरीक्षण किया और महिलाओं व छोटी बच्चियों को बधाइयां दी। शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित वुमेन्स वीक का समापन किया गया। इस दौरान अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। विमेंस वीक के तहत कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतिम दिन मिस इंडिया ग्रैंड बनी मनिका शोकंद नगर में पहुंची। कार्यक्रम के अंतिम दिन नगर की बाल भवन वाटिका में किशोरी मेले का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान अनेक तरह की स्टॉल्स भी लगाई गई, जिसमें अनेक संस्थाओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने भी बेटी बेटा के फर्क को समाप्त करने की बात कहते हुए उन्हें बराबर का हक दिए जाने की बात कही। कार्यक्रमों की श्रृंखला में मनिका शोकंद राज्य के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पहुंचकर छात्राओं से रूबरू हुई और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आ जाओ। थैंक यू मैम।
साइड में ओके मैडम आप हाथ उठाओ जी मैडम यार गुड़िया 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 साथ में एक मिनट बेटा आप भी आगे उधर चलिए हम भी चाहते हैं आप तरह हम भी बड़े बिल्कुल बिल्कुल ये तो आशा है ये सपने तो देखने ही चाहिए बना जा रहा है बेसिकली 1 मार्च से 5 मार्च तक है और 8 मार्च को फिर हम जो 30 महिलाएं जो बेटियां हैं उनको सम्मानित करेंगे 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन वीक डे पर। तो यह रोनाथ गांव से जो शहीदी गांव है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंदर रोनाथ गांव का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है, वहां से इसकी शुरुआत की थी। और आज 5 तारीख को मनिका श्योकंद जी जो मिस इंडिया है वो आज हमारे बीच में पहुंची हैं और जिला भिवानी की जो ग्रामीणांचल में रहने वाली सैलपुर की महिलाएं हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की जो बेटियां हैं उनका हौसला बढ़ाई करेंगी। और सभी बच्चों ने जिस दौरान में जो कॉन्फिडेंस के साथ जो इवेंट्स में भाग लिया है वो वास्तव में ये आगे आकर जो सेक्स रेशो है जो आज के दिन 1921 है भिवानी में उसको हम 1000 तक लेके जाएंगे और कन्या भ्रूण हत्या का जो मैसेज है उस पर पूरी तरह से रोक लगेगी। वुमेन्स डे पे मुझे बुलाया तो मैं औरतों के लिए मैसेज देना चाहूँगी, मतलब मैं क्या इनको मैसेज दूँ, ये मुझे इतना कुछ सिखाने को दे रहे हैं, वहाँ पे इतने ब्राइट लड़कियाँ स्टूडेंट्स हैं, इतना अच्छा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, औरतें आगे आ रही हैं अपना अपने जॉब्स के लिए और वो अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। पहले हरियाणा का नाम कोई भी लेता था तो मुझसे यही सवाल पूछते थे, हरियाणा में लड़कियों की कंडीशन अच्छी नहीं है, भ्रूण हत्या है, उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा बहुत आगे आ रहा है, अब हरियाणा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कैंपेन से जुड़ गया है और सरकार बहुत मेहनत कर रही है और आज आप यहाँ नतीजा देख भी सकते हो, औरतें बहुत आगे आ गई हैं। मैं हर एक इंसान सिटीज़न इंडिया के यही अपील करूँगी कि आप इंसान बने हैवान नहीं, और औरतें आपकी बहन माँ और बेटियाँ भी होती है तो उनको उस नज़र से भी देखिए। आप पढ़ाई करिए क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आपको कहीं भी लेकर जाने के लिए आपको एक पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है ताकि आप इतने स्टेबल होए और इतने जागरूक होए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, और फिर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो खूब मेहनत करिए और बस इंजॉय करिए ज़िंदगी को क्योंकि एक ही बार मिलती है, तो उसका खूब लाभ उठाइए और बस आपको जहाँ जाना है आप पहुँच जाएंगे। तो देश को ऐसा बाहर रिप्रेजेंट करना है तो सब लोग मुझे मनिका नहीं देखेंगे, इंडिया देखेंगे, तो बहुत ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पर और मैं मेहनत करूँगी और अपने आप को एज अ इंडिया हर एक को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी। भिवानी के सभी सरकारी अस्पतालों में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका, यह कहना है भिवानी की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने बताया कि जिले के सभी पीएचसी सीएचसी व अस्पतालों में मुफ्त कोरोना के टीके लगाए जाएंगे जबकि निजी अस्पतालों में 250 रुपये की लागत से कोरोना का टीका लगाया जाएगा। भिवानी में अब सभी सरकारी अस्पतालों पर कोरोना का टीका लगाया जाएगा, ये जानकारी सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पीएचसी पर 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति और महिला
महिलाएं जिनको कोई बीमारी है कोरोना का टीका लगवा सकते हैं और स्वास्थ्यकर्ता और अन्य कर्मचारी भी कोरोना का टीका पीएचसी पर लगवा सकते हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रत्येक सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सरकारी संस्था में कोरोना का टीका लगेगा, जबकि बुधवार और वीरवार को निजी संस्थाओं में कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने बताया कि निजी संस्था में अगर कोई व्यक्ति कोरोना का टीका लगवाता है तो उसकी राशि 250 रुपये निजी संस्थान को देनी पड़ेगी, जबकि सरकारी संस्था में टीका मुफ्त में लगाया जाएगा। सिविल सर्जन ने यह भी बताया कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए कोई भी व्यक्ति ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकता है और अपनी इच्छानुसार सरकारी और निजी संस्था का चयन भी कर सकता है। 60+ ईयर्स के जो भी पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन दी जाएगी, प्लस इसमें 45 से 59 ईयर्स के जो लोग हैं और जो कोमोबिडिटी से ग्रस्त हैं उनको भी वैक्सीन इसी फेज में दिया जाएगा। इसके लिए उनको सिंपल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लिखवा के लाना है, एक सिंपल उस पर कि उनको कोमोबिडिटीज़ हैं, उनकी लिस्ट जो हैं जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, प्राइवेट आयुष्मान एम्पैनल हॉस्पिटल्स को जो दिया गया है उनको लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है। ये लिस्ट हमारे जो सरकारी अस्पताल जहाँ पे वैक्सीनेशन चलेगी सेशन साइट्स पे उनके पास भी उपलब्ध करवा दी गई है। इसमें मोटा मोटा जो बीमारियाँ कोमोबिडिटी में इंक्लूड की गई हैं वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स हैं या किसी तरह का कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इस तरह की कुछ बीमारियाँ अंकित की गई हैं इसमें। इनके रहते अगर किसी को कोई 45 से 59 ईयर्स की एज ग्रुप में कोई अगर है तो वो उसको वैक्सीनेशन की जाएगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए फ़ीस चार्जेस निर्धारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, 250 रुपये देने पड़ेंगे बेनिफिशियरी को वैक्सीन लगवाने के लिए। जो वैक्सीनेशन नॉर्म्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किए जाएंगे जैसे सरकारी हॉस्पिटल्स में फॉलो किए गए हैं, यानी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, प्री रजिस्टर्ड नहीं है, अब आप एक दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप अपना आधार कार्ड लेकर आएं क्योंकि आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। भिवानी शहर के वार्ड नंबर 28 की गली मस्तान में लगा बिजली का खंभा अचानक टूटकर जमीन पर धराशायी हो गया। इस बारे में पार्षद आकाश व स्थानीय महिला सुभाष कुमारी ने बताया कि गनीमत यह रही कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं उन्होंने बिजली विभाग से इस तरह के खंभों को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की ताकि हादसों को रोका जा सके। न आंधी न तूफान, बिजली का खंभा गिरने से मकान में हुआ नुकसान। शहर के वार्ड नंबर 28 मस्तान गली के कॉर्नर पर लगा बिजली का खंभा अचानक से टूटकर एक मकान में जा गिरा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि मकान की दीवार टूटी और उसके अंदर बैठी एक बुजुर्ग महिला को अंदरूनी चोटें भी आई। बताया गया कि यह खंभा केवल 20-25 दिन पहले ही लगाया गया था जो कि आज टूटकर मकान पर गिर गया। अगर परिवार वालों की माने तो बिजली विभाग व्यवस्था में बड़े बड़े सुधार के दावे तो करते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने मांग की कि सभी खंभों की जांच की जाए, लटकते बिजली के तारों को ठीक किया जाए और उन्होंने कहा कि अगर ठेकेदार भ्रष्ट है तो उसके प्रति कार्रवाई भी की जाए और उनके मकान में हुए नुकसान का मुआवजा भी उनको दिलाया जाए। मैं मटर छिल रही थी बैठ के, आधे पैर मेरे धूप में थे, आधी मत छाया में थी, मैं मटर छिल रही थी, मटर छिल रही थी, या बहू बोली मम्मी मन तो फिर ठंड लगन लगी, मैं तेरे स्वेटर पहन ले, बोली मैं स्वेटर ले, मैं तो स्वेटर, ये तो स्वेटर लेकर पूरे टर्न करे, बता यहाँ एक ही सेकंड खड़ी हुई थी, या तो जाके नू लग गई इसका एकदम धमाका हो जाए और मैं जो है ना एकदम से पड़ गई, एकदम से इस हाथ पड़ गई ये दुखे हाथ और जो है ना मैं तो उरे छोड़ छाड़ के सबकी मैं और अपने इस खड़ी होगी उरे आके और पैर धूझड़ लग गए बिल्कुल बुरी तरह से। ये सुभाष गली में मस्तान गली के साथ लगती हुई जो सुभाष गली है, सुभाष गली में कॉर्नर के ऊपर मंदिर के सामने, शक्ति मंदिर के सामने जो पोल लगा हुआ है वो अचानक अपने आप से टूट के और बजरंग मस्ता जी के घर के ऊपर गिर गया। वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो सकता था जान माल का, लेकिन शुक्र है कि वो कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन उनके घर में अच्छा नुकसान हुआ उसकी वजह से। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? उचित ये हकीकत में तो ये एक लापरवाही है। पूरे मोहल्ले में जितने भी खंभे लगे हुए हैं ना, कोई टेढ़ा हो रहा है, कोई पहले से लोग शिकायत कर रहे हैं कि भाई इसको ठीक से दुरुस्त किया जाए इनको, लेकिन कोई ठेकेदार सुनवाई नहीं करता। वो लेबर आती है उनको हमारी भाषा समझ में आती है, हमारी उनको नहीं समझ में आती, वो अपना गाड़ गुड़ के तार तूर खींच खाँच कर चले गए और देख लो कितना बड़ा हादसा होता है। उत्ते टड़ा है ये कि
ये पोल 20 दिन भी नहीं लगे हुए हैं इसको, और जो है इसने कितना बड़ा हादसा कर दिया। और शुक्र है ये तो इस घर की उससे बच गया स्पोर्ट से, अगर ये गली की तरफ गिर जाता तो वहाँ तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था, कितने व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं। मेरा नाम आकाश मिस्त्रा है, मैं वार्ड नंबर 28 भिवानी में अपने पार्षद हूँ। आज यहाँ पर ये जो बिजली का खंभा है हमारी गली में, मस्तान गली में, मेरे बाबा जी हैं बजरंग मस्ता जी, उनके घर के ऊपर ये बिजली का खंभा बीच में से टूटकर उनके घर के ऊपर गिरा है, और दादी जी एकदम पास में बैठी थी ऊपर, और उनके करंट लगता लगता बचा है, ये चलती लाइट के अंदर ये खंभा ऊपर से नीचे गिर के टूटा है ये। और हम तो एक यही मांग करते हैं कि एक तो जितने भी ये प्रशासन के लोग हैं इसके अंदर जिसकी भी मिली भगत है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। शुक्रवार को सेठ भागीरथमल बुआनीवाला की पुण्यतिथि पर स्थानीय वेस्ट कॉलेज के निकट बगीचे में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भिवानी की निजी संस्थाओं के विकास में अहम भूमिका प्रदान करने वाले सेठ भागीरथमल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शिक्षण संस्थाओं के पदाधिकारी एडवोकेट शिवरतन गुप्ता, पवन बुआनीवाला व पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने बताया कि उनकी श्रद्धांजलि देना या उन्हें श्रद्धांजलि देना एक सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। स्वर्गीय सेठ भागीरथमल बुआनीवाला विकास पुरुष थे। विकास के लिए उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, समाज हो, मानव कल्याण हो, गौ सेवा के लिए समर्पण भाव से कार्य किया। धार्मिक कार्यों में भी वे हमेशा आगे रहते थे। ये शब्द स्वर्गीय श्री भागीरथमल बुआनीवाला स्मृति समिति के अध्यक्ष पवन बुआनीवाला ने स्वर्गीय भागीरथमल बुआनीवाला जी की 27वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय बुआनीवाला बगीचे में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहे। श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ स्वर्गीय भागीरथ मल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सभा में वांत यंत्रों से निपुण भजन कलाकार राम अवतार ने बेहतरीन भजनों की प्रस्तुति भी दी। वहीं इस दौरान वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि सेठ भागीरथ मल बुआनीवाला द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम समाज सेवा और शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सभी जीवन जीते हैं, लेकिन सेठ भागीरथ मल बुआनीवाला ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य किए हैं। सेठ भागीरथमल बुआनीवाला जी की पुण्यतिथि पर यहाँ शहर के काफ़ी गणमान्य और सभी संस्थाओं से जुड़े लोग एकत्रित करके उनको श्रद्धांजलि दी। मैं उन सबका बहुत आभारी हूँ। भागीरथमल जी के बारे में बताया जाए, 1925 को उनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार में दिल कम लगा, समाज सेवा में उनका ध्यान ज़्यादा था। उन्होंने अपना व्यापार की तरफ नहीं देखते हुए और यहाँ की भिन्न भिन्न संस्थाओं को, पब्लिक को, अनएजुकेटेड बच्चों को, उस जमाने में जब एजुकेशन का अभाव था उन्होंने एजुकेशन दी। उसके लिए उन्होंने जो फाइनेंस का दिक्कत होती थी खुद जाते थे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बेंगलोर और जहाँ जहाँ भिवानी वाले थे उनसे डोनेशन संस्थाओं के नाम से लेके आज बहुत बड़ा आदर्श महिला महाविद्यालय खड़ा किया, वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खड़ा किया और वेस्ट कॉलेज का डेवलपमेंट किया और वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का डेवलपमेंट किया। कमल है आदरणीय भाई जी श्री भागीरथमल जी बुआनीवाला की 29वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक भाई जी का प्रश्न है, कोई ऐसी संस्था नहीं थी, शिक्षण संस्था, जिसमें मैंने भाई जी के साथ काम नहीं किया। और जिस प्रकार सामंजस्य से काम किया, बच्चे की तरह मैं अगर कोई किसी प्रकार की हट करता था तो वो सदैव उस हट को स्वीकार करते थे और अपनी बात को बढ़ा करते थे। मैं इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि भिवानी नगर में एक ऐसी शख्सियत दोबारा से उभरे जो आदरणीय भाई जी की शख्सियत। सेठ भागीरथमल जी बुआनीवाला की पुण्यतिथि पर हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको नमन करने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं उनको अपनी तरफ से, हमारे बुट्स ग्रुप की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और उनको उनके बारे में बताना सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में ये महाराणा, ये आदर्श कॉलेज,
वह संस्थाएं इन सब की उस समय में क्रिएशन की बनारसी दास गुप्ता जी ने और भगीरथ मल जी ने, जब पैसे का बड़ा भारी अभाव था उस समय उन्होंने पूरे देश में जाके बड़ा मुश्किल था सारा फंड जुटा के ये संस्थाएं चलाई, तो हम उनको चरणों में नमन करते हैं। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लंबित पड़े बकाया पानी के बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को विशेष छूट का किया गया है प्रावधान, यह कहना है विभाग के एसडीओ प्रवीण लाकड़ा का। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के बकाया बिलों पर 31 मार्च 2021 तक पानी के बिलों पर 25% की छूट प्रदान की जाएगी। पानी के बिलों को लेकर अक्सर लोगों की चर्चाएं देखने सुनने में आती थी कि बिल ज्यादा आता है और पानी नहीं आता, या पानी कम आता है लेकिन बिल ज्यादा आता है। इन्हीं बातों से परेशान कुछ लोग पानी का बिल भर देते थे और कुछ लोग डिफॉल्टर हो जाते थे। अब जन स्वास्थ्य विभाग ने बिलों में राहत करते हुए नया फैसला लिया है, जिसके अनुसार अगर कोई पानी का बिल 31 मार्च तक भरता है तो उसे बिल में 25% तक की छूट मिलेगी। ये योजना 1 मार्च से 31 मार्च तक की लागू की गई है और इसके बाद भी अगर कोई बिल नहीं भरता तो 31 मार्च के बाद डिफॉल्टर्स के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। ये कहना था जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण लाकड़ा का। उन्होंने बताया कि पानी के बिल भरने में आसानी के लिए हरियाणा सरकार की एक सुनहरी पहल है। एक तो पानी के लिए सरकार ने 25% 31 मार्च तक की छूट दी है, साथ को ये भी है पब्लिक को हिदायत, अगर वो फिर भी पानी के बिल ना भरेंगे तो उनके कनेक्शन काटने के आदेश है। तो कृपया पब्लिक इसमें विभाग का सहयोग देवे और अपना प्रॉपर तरीके से बिल भरें ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े। शुक्रवार को नेहरू पार्क में रिटायर्ड बिजली पेंशनर एसोसिएशन के विभिन्न मांगों की चर्चा के लिए मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रधान अनूप के नेतृत्व में अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं उन्होंने कैशलेस मेडिकल सुविधा, पेंशन रिवाइज करना इत्यादि की सरकार से मांग की। शुक्रवार को स्थानीय नेहरू पार्क में रिटायर्ड बिजली पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपनी मासिक बैठक करते हुए हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि जिले भर से रिटायर्ड बिजली पेंशनर्स अपनी समस्याओं के लिए नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों पर उन्होंने विचार किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने इन लोगों को जो कैशलेस मेडिकल सुविधा दी है उनके बिल कई महीनों तक वेरीफाई ही नहीं होते। वहीं उन्होंने पहले मिलने वाली बिजली यूनिट्स जो कि इस बार सरकार ने बंद कर दी हैं उसके प्रति भी निराशा जताई। उनका कहना था कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वे सिटी एक्शन से भी कई बार मिले लेकिन उन्होंने भी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। उनका कहना था कि अगर जल्द इनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बाल मुकुंद जिला प्रधान हरियाणा बिजली पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हमारी जो मासिक बैठक हमारा ये फैसला है यूनियन का कि हर महीने हम मासिक बैठक पहले शुक्रवार को महीने का इसमें करते हैं, जिसमें हर महीने की जो कारगुजारी होती है वो कर्मचारियों से बताते हैं और उनकी जो दिखते हैं उनको सुनते हैं। उसके बारे में हमने एजेंडे लिख लग के बार बार एस सी भिवानी को भी और एक्शनों को भी दे रखे हैं। हम 2018 से मैंने 3-4 एजेंडे दे लिए लेकिन उसके बाद मीटिंग हुई, मीटिंग ना के बराबर हुई, अधिकारी बीच में ही उठकर चले जाते हैं, काम नहीं होते। हम बार बार कहते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। इस बार हमने ये फैसला लेने का प्रोग्राम बनाया है, इस मीटिंग के अंदर जो फैसले हम लेंगे उसके ऊपर हम खड़े उतरेंगे और हम मैनेजमेंट से इस बात की अपील करते हैं समय रहते हमारे कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं उनको पूरा किया जाए, जिसके अंदर कैशलेस के कार्ड नहीं बन रहे और मेडिकल बिल 6-6 महीने तक दफ्तरों के अंदर पड़े रहते हैं उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो रिटायरिंग कर्मचारियों की जो मॉडिफाई ACP जो काफ़ी समय से पड़ी है 2004 से, वो इसके ऊपर भी कोई गौर नहीं की जाती, किसी का कोई आज तक एरियर नहीं बना है और मेडिकल बिलों की इतनी बुरी समस्या है, दफ्तरों के अंदर 6-6 महीने तक पड़े रहते हैं, एक दफ्तर से दूसरे महीने में 2 महीने लग जाते हैं, एक रिटायरी साथी जो बीमार हो जाता है 1-2 लाख रुपए उधार लेके एक ब्याज के ऊपर अपनी बीमारी के ऊपर लगाता है लेकिन उसको 6-6 महीने तक पेमेंट नहीं होती, इसमें बहुत भारी दिक्कत आई है। धीरे धीरे गर्मी के मौसम की दस्तक के साथ बढ़ी भिवानी वासियों की पेयजल समस्या, जलघरों में बचा केवल 2 दिन का पानी। वहीं हमारे संवाददाता ने जब इस संबंध में जन स्वास्थ्य विभाग SDO प्रवीण लाकड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि महम रोड स्थित टैंक्स में केवल 2 दिन की आपूर्ति के लिए पानी बचा है लेकिन 13 मार्च को नहरी पानी आने के बाद आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी जाएगी। जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू हुआ है वैसे ही शहर में पीने के पानी की समस्या भी पनपने लगी है। गर्मी के शुरू होते ही जलघरों में भी पानी कम ही नजर आता है।
वैसे तो शहर में सर्दियों के मौसम में भी पीने के पानी की किल्लत थी, लेकिन सर्दियों में तो काम चल जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम हो और पानी ना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि मंजर क्या होगा। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि महम रोड से जलघर के ये सूखे टैंक खुद ही बोल रहे हैं। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के SDO प्रवीण लाकड़ा से बात की तो उन्होंने बताया कि जलघरों के टैंकों में शहर में पानी सप्लाई के लिए सिर्फ 2 दिन का पानी बचा है और नहरी पानी 13 से 15 दिन तक आने की संभावना है, इसलिए शहरवासियों से पानी बचाने की अपील उन्होंने की। साथ ही अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, हमारी पब्लिक से सभी से गुजारिश है कि पानी का वेस्टेज ना करें, पानी बचा के रखें, और पानी वैसे ही हमारे रॉ वाटर की कमी रहती है पिछले लास्ट दिनों में, तो पानी अगर बचा के रखेंगे तो पानी की दिक्कत नहीं आएगी, तो इस अपील का पालन करें। सर, जिस प्रकार बिजली का पानी का बिल बताया आपने, जिसमें डिफॉल्टर लोग हैं जिसका लंबा बिल बचा हुआ है, सर क्या उसको भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा? हाँ, उसको भी इस सुविधा का लाभ है, जिसका चाहे कितना ही बिल हो 25% का सभी को लाभ मिलेगा। और हमने जिसके मतलब ज़्यादा बिल हो रहे थे उसको नोटिस भी देने शुरू कर दिए हैं और साथ के साथ उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, तो कृपया रिक्वेस्ट यही है कि अपने बिल समय पर भरें। थोड़ा रॉ वाटर की कमी है फिलहाल इन दिनों में, ये लास्ट दिन आ गए हैं, तो थोड़ा हमने इसके लिए बचाव करके और इसका पालन तो करेंगे इतने दिन तक। सर, क्या नाम और क्या पद आपका? चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में शुक्रवार दोपहर तक ठीक हुए 2 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस हुए 6। वीमेंस वीक कार्यक्रम हुए संपन्न, समापन के दिन पहुंची मिस इंडिया ग्रैंड मनीका शोकल। PSC स्तर पर लगाया जाएगा कोरोना का टीका, कहा सिविल सर्जन ने। बिजली का खंभा टूटा, गिरा मकान में, निगम द्वारा 20 दिन पहले ही लगाया गया था खंभा। सेठ भगीरथ मल बुआनी वाला की मनाई गई 27वीं पुण्यतिथि। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।